अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आजकल। अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं 4G फ़ोन टच वाले 10,000 या इससे कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर आइटल के फ़ोन शामिल हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ बजट रेंज वाले 4G फ़ोन और वो भी फीचर फ़ोन यानी बटनों वाले फ़ोन। और इन तीनों में से मुझे तगड़ा कौन सा फ़ोन लगा है वो भी आपको बताऊँगा। नोकिया 105 4G वाला फ़ोन लेटेस्ट ही पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। 4,500 इस वाले फ़ोन की प्राइस है और इसमें आप 4G इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक मिनी डिस्प्ले है TFT वाला 1.8 इंच का। तो इसमें आप SD कार्ड नहीं लगा सकते, दो सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है। 48 MB की इसमें स्टोरेज है और 128 MB की इसमें रैम लगाई गई है। ओवरऑल फोन यूज करेंगे तो लैग वगैरह फोन नहीं करता, लेकिन स्टोरेज बहुत कम मिलती है इसमें और SD कार्ड डालने का ऑप्शन भी नहीं मिलता, तो इसका आपको पहले से पता होना चाहिए। पर ऑडियो जैक इस्तेमाल किए बगैर FM भी यूज कर सकते हैं। माइक्रो USB वाला चार्जर मिलता है। 80 ग्राम इस वाले फोन का वेट है और इसमें 1020 mAh की बैटरी है जो कि रिमूवेबल है। और ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। अगर आपको कॉल वगैरह करने के लिए फोन लेना है जिसमें 4G भी हो तो आप इसे ले सकते हैं। तो इसमें आपको जो प्री इंस्टॉल्ड ब्राउजर वगैरह मिलता है उसी में 4G इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट फोन है वो भी नोकिया का है, नोकिया 225 4G वाला ये भी फोन है, लेकिन इसका डिजाइन मुझे काफी पसंद लगा है। बैक पे आपको सिंगल कैमरा भी इसमें मिलता है जो कि 0.3 MP का है। नॉर्मल से कैमरा मिलेगा, सेल्फी कैमरा इसमें नहीं मिलता। इसमें भी TFT वाला डिस्प्ले है लेकिन 2.4 इंच का है, थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलता है। इसमें चिपसेट UniSoC वालों का है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये दे देता है। 64 MB की इसमें रैम है और 120 MB की स्टोरेज है। 1150 mAh की इसमें बैटरी मिलती है, रिमूवेबल है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2-3 कलर मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू और मेटालिक सैंड। ये वाला फोन ओवरऑल लुक वाइज मुझे काफी तगड़ा लगा है और इसकी प्राइस जो पाकिस्तान में है वो 5,700 आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल नोकिया के फोन पसंद है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और लास्ट पे मेरा फेवरेट फोन है, तो ये वाला फोन पाकिस्तान में ही आपको मिलेगा नोकिया डिजिट 4G के नाम से। तो इनका जो लेटेस्ट वर्जन आया था मिनी, आपको टच स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, जिधर कुछ ऑप्शन है जिधर आप टच स्क्रीन को भी यूज कर सकते हैं। और इसका डिजाइन भी काफी चेंज किया गया है, जो पुराना डिजिट 4G वाला फोन था उससे काफी आपको यूनिक डिजाइन इसमें मिलता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलता है, यानी इसमें आप अपनी मर्जी की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 4G सपोर्टेड है, डुअल सिम इसमें 4G यूज कर सकते हैं। 2.4 इंच का इसमें डिस्प्ले है, 4GB इसमें स्टोरेज मिलती है और 512 MB की रैम है। तो ओवरऑल स्पीड अच्छा लेनी है 4G बटनों वाले फोन में तो ये वाला फोन आपके लिए काफी अच्छा है। इसकी फ्रंट और बैक पे आपको कैमरा मिलता है जो कि एक डिजिटल कैमरा है। वाईफाई इसमें यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट भी है। SD कार्ड डालने का ऑप्शन है जो कि 32 GB तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है। ये 1700 mAh की इसमें बैटरी मिलती है और इसमें भी 3 कलर है, ब्लैक, ग्रे और ब्लू वाला। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मजीद फोन के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।